Hello students, welcome to my channel. I'm Dr. Vineeta Negi, making maths learning easy and simple for you. Euler's theorem. तो यूलर्स थ्योरम को समझने से पहले हम ये देखें, यहाँ पे जो ये यूलर टर्म हमने डिनोट किया है, इसको हम यूलर फंक्शन कहते हैं एंड इसको डिनोट करते हैं फाई से. तो ये यूलर फंक्शन क्या हुआ? ये फाई किस तरह का फंक्शन है? फाई ऑफ वन इज इक्वल टू वन एंड फाई ऑफ एन इज इक्वल टू, कोई भी नंबर n है तो उसके लिए हम phi n की वैल्यू लिख देते हैं कुछ इस टाइप से, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन दिस नंबर n एंड को प्राइम टू दिस नंबर n. मींस अगर मैं बात कर रही हूँ phi 5 की, वो सारे नेचुरल नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे जो 5 से लेसर है एंड को प्राइम है n के लिए. मींस 1, 2, 3 एंड 4. अगर मैं बात कर रही हूँ फाइव 8 की, तो 8 से लेसर 1, 2 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हमें कैसे नंबर चाहिए जो को प्राइम हो उस नंबर n के लिए. तो 2 एंड 8 को प्राइम नहीं है, सो आई एम नॉट राइटिंग हियर 2. 3, 4 भी नहीं आएगा, 5, 6 भी नहीं आएगा, 7. ओके, तो फाइव n की जब हम बात कर रहे हैं, उस नंबर से लेसर जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन वो नेचुरल नंबर कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए उस n के लिए. तो उन सब नंबर्स का कलेक्शन हम डिनोट करते हैं phi n से, एंड दिस phi n इज कॉल्ड यूलर फंक्शन. एंड जब हम बात कर रहे हैं phi 1 की, तो phi 1 के लिए वो नेचुरल नंबर आ जाएगा 1. ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यूलर फंक्शन को डिनोट करते हैं, phi की वैल्यू डिनोट कर सकते हैं. phi, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. पहली प्रॉपर्टी, phi p की वैल्यू p माइनस 1 मिलेगी कब? अगर आपका जो ये p है, दिस p नंबर इज प्राइम. ओके, अगर p आपका प्राइम नंबर है तो phi p की वैल्यू उस p से एक लेसर वैल्यू होगी. जैसे कि हमने देखा phi 5 की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 5 माइनस 1 दैट इज 4. तो डायरेक्टली फॉर एनी प्राइम नंबर, जैसे 5 7 की मैं बात करूं, तो 5 7 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6. For any prime number, the value of phi p is equal to p minus 1. Second, अगर मेरे पास phi mn है, means अब जो number है वो multiple की form में है, 2 into 3 type में है, 3 into 7 type में है, phi of mn को हम लिख देते हैं phi m into phi n. लेकिन ये हम तभी लिखते हैं अगर m and n, इनका जो greatest common divisor है, that is equal to 1. इट मीन्स ये m एंड n आपस में को प्राइम होने चाहिए. m एंड n को प्राइम है तो ही हम phi of mn को phi m phi n के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हैं. एंड इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है, phi of p टू द पावर n इक्वल टू p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1, वेयर p है दैट इज प्राइम. तो आपको यहां से क्या रिजल्ट मिला? पहला, अगर आपका p प्राइम नंबर है, सो phi p इज इक्वल टू p माइनस 1. सेकंड प्रॉपर्टी, phi ऑफ mn दैट इज इक्वल टू phi m इनटू phi n. लेकिन कब? अगर ये दो m एंड n नंबर्स इस तरीके से हैं, इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है दैट इज इक्वल टू 1. मींस m एंड n आपस में क्या है? को प्राइम है, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, phi p टू द पावर n इज इक्वल टू p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1, जहां ये p आपका क्या है? प्राइम नंबर है. मींस अगर मैं phi 2 टू द पावर 3 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2. तो ये सॉल्व करके आपको वैल्यू मिल जाएगी 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4. तो phi 2 द पावर 2 पावर 3 आपको मिल जाएगा 4. तो ये था आपका phi फंक्शन, जिसे हम यूलर फंक्शन कहते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज, phi p इज इक्वल टू p माइनस 1, phi mn इज इक्वल टू phi m इनटू phi n, एंड phi p टू द पावर n इज इक्वल टू p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1. अब ये phi फंक्शन के लिए हम यूलर्स थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं एंड यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो हम स्टडी करते हैं. यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, आपके पास कोई इंटीजर n है आपके पास, एंड a दूसरा इंटीजर है, लेकिन ये a इंटीजर किस तरीके से है, दैट इज a इज प्राइम रिलेटिव टू n. मींस जो ये a एंड n नंबर्स हैं, इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है दैट इज इक्वल टू 1. कैसे है? को प्राइम है. यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग a टू द पावर
phi n is equal to 1 mod n, जहां ये phi आपका है Euler's function. इसीलिए मैंने आपको Euler function के बारे में बता दिया कि phi क्या होता है. अब आपको प्रूव ये करना है यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, दिस a टू द पावर phi n की वैल्यू 1 मिलेगी मॉड n के अकॉर्डिंग. मींस इस a टू द पावर phi n के लिए क्या होना चाहिए, इस कंप्लीट वैल्यू को अगर हम n से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए. तो यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग a टू द पावर phi n में जब हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए. हम कोई इंटीजर लेते हैं x, एंड इस इंटीजर को हमने डिनोट किया इस तरीके से. दिस डिनोट एक रेजिडुअल क्लास ऑफ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर मॉड n. मॉड n के अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं एक रेजिडुअल क्लास फॉर्म कर रहे हैं, एंड उसको हमने डिनोट कर दिया ब्रैकेट विद x. एंड इस तरीके से हम यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट एक सेट ले लिया हमने g, जहां इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं ब्रैकेट a, एंड जहां ये a क्या है, दिस a इज प्राइम इंटीजर टू n. तो हमने एक सेट बना दिया दिस g, एंड इस g में ये जो हमने डिनोट किया x टाइप के, इस टाइप के a टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, एंड यहां पे जो ये a नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स किस तरीके से हैं, दिस a इज प्राइम इंटीजर टू n. अब वी नो दैट अगर हमारे पास इस g सेट में इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं जहां a प्राइम है इस n इंटीजर के लिए, तो इस तरह से जो ये सेट फॉर्म कर रहा है, जो रेजिडुअल क्लास g हमने डिनोट किया सेट, ये रेजिडुअल क्लास g क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है phi n ऑर्डर का. मींस यहां पे phi n क्या है, ऑर्डर है. मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही होंगे जितना phi n होगा. अगर आपने प्राइम नंबर 5 लिया तो phi n आपको कितना मिल जाएगा, 4. मींस उस ग्रुप में चार एलिमेंट्स होंगे. अगर आपने n is equal to 7 लिया तो आपके पास phi n की वैल्यू कितनी मिली, 6 मिली. मींस अब आपका जो ग्रुप बन रहा है वहां पे 6 एलिमेंट्स हैं. तो इस तरीके से जो ये सेट हमने डिनोट किया ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करता है. लेकिन यहां पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑर्डर होता है ग्रुप का, वो होता है phi n. नाउ जब मैं बात कर रही हूं इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की, तो यहां पे दिस वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट. क्यों, क्योंकि आपके पास जब हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, एंड इस सेट में सारे एलिमेंट्स इस टाइप के आ रहे हैं, तो यहां पे जो आइडेंटिटी होगी दैट इज वन, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ ग्रुप. सपोज मैं कहती हूं दिस ए इज एलिमेंट फ्रॉम दिस ग्रुप जी. अगर ये इस ग्रुप G का एलिमेंट है, अगर मैं X को कहूं कि X इज द एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप G, तो X टू द पावर N दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. तो इसी के अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूं कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ G, सो इस एलिमेंट पर जब हम ऑर्डर ऑफ G अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट आइडेंटिटी मिलेगी. एंड यहां पर हमारे पास ऑर्डर क्या है, इस ग्रुप के लिए ऑर्डर क्या है, phi n है, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूं phi n से, that is equal to 1. Now, a to the power phi n क्या डिनोट कर रहा है, a को हमने मल्टीप्लाई किया अप टू phi n टाइम्स समथिंग टू द पावर phi n. आई कैन राइट दिस a a a अप टू phi n टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 1. और मैं अगर इसको इंटीजर्स की फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट दिस एज, अगर मैं इस a एलिमेंट को रिपीट करती रहूं अप टू phi n टाइम्स तो भी मुझे सेम वैल्यू मिलेगी. नाउ इस वैल्यू को अब मैं क्या लिख सकती हूं, a टू द पावर phi n, दिस इज इक्वल टू 1. ये क्या कंक्लूजन मुझे दे रहा है, इस a टू द पावर phi n के लिए मुझे वैल्यू मिल रही है रेजिड्यू क्लास के अकॉर्डिंग 1. मींस इस a टू द पावर phi n के लिए अगर मैं मॉड n के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, यहां पर 1 मिल रहा है. मींस a टू द पावर phi n में डिवाइड करती हूं मैं n से तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलता है. ठीक है, यही हमें यहां पे प्रूव करना है. अब जो ये यूलर्स थ्योरम है ये हम यूज कहां करते हैं, बड़ी कैलकुलेशन में ये पता करने के लिए कि हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, या फिर
कहां आपको रिमाइंडर वन मिलेगा वहां ये यूलर्स थ्योरम अप्लाई होती है। तो इस पे एग्जांपल्स हैं कुछ, देखिए। अगर मैं इस यूलर फंक्शन में रिप्लेस कर दूं a को 7 से एंड n को 65 से, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 7 टू द पावर 5 65 इज इक्वल टू 1 मॉड 65। लेकिन ये कब हो रहा है, अगर 7 एंड 65 का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होना चाहिए। तो वी नो दैट 7 एंड 65 का कॉमन डिविजर ग्रेटेस्ट क्या है, 1 है। मींस ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स है। जब आपके पास ये को प्राइम नंबर्स है तभी हम यूलर्स थ्योरम डिनोट कर सकते हैं इन नंबर्स के लिए। ओके, तो पहली कंडीशन तो वो आपस में को प्राइम्स होने चाहिए। तो यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग 565 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसको हम प्राइम फैक्टर्स में अगर डिनोट करें, सो 5m into n के अकॉर्डिंग आई कैन राइट दिस एज 5 into 13। ओके, एंड 5m into n दैट इज 5m into 5n, एंड वी नो दैट 5 इट मींस 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो 5 minus 1। इसी तरीके से 13 भी आपका प्राइम नंबर है, तो 13 minus 1 दैट इज इक्वल टू 4 into 12, इट मींस 48। तो आपको यहां से कंक्लूजन ये मिल रहा है, 7 टू द पावर दिस, ये वैल्यू हमें क्या मिली, 48। 7 टू द पावर 48 में जब आपने 65 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। विदाउट एनी कैलकुलेशन आप कह सकते हैं 7 टू द पावर 48 में जब मैं 65 से डिवाइड करूंगी तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो यहां ये यूलर्स थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। यूलर्स थ्योरम को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, दिस a टू द पावर 5n into समथिंग b इज इक्वल टू 1 मॉड n। इसी यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास ये डिनोट हो गया कि 7 टू द पावर 48 में 65 से डिवाइड करने पे मुझे रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो यहां पर अगर मैं 5n में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मींस उनके जो मल्टीपल्स होंगे 7 टू द पावर 96 ये भी मॉड 65 के अकॉर्डिंग डिवाइड करने के बाद आपको रिजल्ट, आपको रिमाइंडर 1 ही देगा। Means, अगर a टू द पावर 5n इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू मॉड n, तो 5n के जो मल्टीपल्स होंगे 5n into 2, 5n into 3 and so on, तो वो भी आपको सेम रिमाइंडर देंगे। तो इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। अगर मेरे पास a है 77 एंड n है 100, तो 77 एंड 100 ये दोनों आपस में को प्राइम है, इनका जीसीडी क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, मींस 77 टू द पावर 500 दिस इज इक्वल टू 1 मॉड 100। तो यहां से हमें 500 की वैल्यू चाहिए। पहले तो 500 को मैं लिख सकती हूँ 5 टू द पावर 2 इंटू 5 जो नंबर है हमारे पास दैट इज 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। तो अगर आपके पास कोई नंबर इस तरीके से है दैट इज p टू द पावर a एंड q टू द पावर b, तो हम इसके लिए 5n की वैल्यू कैसे डिनोट करेंगे, दिस 5n इज इक्वल टू n जो इटसेल्फ नंबर है इनटू 1 माइनस 1 अपॉन p इनटू 1 माइनस 1 अपॉन q। यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n, n मींस यहां पे क्या है 100 इनटू 1 माइनस 1 अपॉन p, व्हाट इज p हियर द बेस दैट इज 2 इनटू 1 माइनस 1 अपॉन q दैट इज 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 100 इंटू ये सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू ये सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा 4/5। सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज 50 एंड 5 इंटू दिस इज 10 हमें वैल्यू मिल गई 40। मींस जो ये वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 40। अगर आपके पास अब कोई नंबर आप इस तरह से डिनोट कर सके इन पावर्स जहां ये p q ये कैसे है प्राइम नंबर्स है, तो अगर हमारे पास phi फंक्शन आपको वैल्यू फाइंड करनी है एंड उस नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकें, तो हम उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पी 1 माइनस 1 अपॉन क्यू। आपको phi 100 की वैल्यू क्या मिल गई 40। तो इसके लिए मैं क्या डिनोट कर सकती हूँ 77 पावर 40
दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू मॉड 100 आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। तो इस तरीके से हम phi फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के बाद किसी भी बड़े डिजिट के लिए उस मॉड के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हैं कि रिमाइंडर आपको 1 ही मिलेगा। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो a एंड n है उनका जो gcd है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो यहां से हमें दो मेन कंक्लूजन मिले, a टू द पावर 5n दैट इज इक्वल टू 1 फॉर मॉड n। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, अगर आपके पास जो ये a एंड n नंबर हैं दीज आर कोप्राइम्स, ओके दीज आर कोप्राइम नंबर्स, तभी हम ऐसा कह सकते हैं। एंड इसी से हम ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं दिस a phi n इनटू सम एनी मल्टीपल लाइक मल्टीप्लाई विद x एन इंटीजर दैट शुड बी इक्वल टू 1 फॉर दिस मॉड n, ओके। एंड जो ये phi फंक्शन आप डिनोट करते हैं, phi n आप फाइंड आउट करते हैं यूलर फंक्शन, यहाँ पे जो ये n है ये n क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर या इक्वल कोई भी वैल्यू हो सकती है, ओके। जब हम phi n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो n आपको केवल पॉजिटिव इंटीजर लेना है, एंड पॉजिटिव इंटीजर डिनोट करते हुए वो सारी वैल्यूज जो n से लेसर है, n के रिस्पेक्ट में को प्राइम है, वो सारी वैल्यूज ये phi n फंक्शन यूलर फंक्शन डिनोट कर सकता है। तो यहां से आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले यूलर्स थ्योरम का, स्टेटमेंट दैट इज a टू द पावर 5n इज इक्वल टू 1 मॉड n इफ a n r को प्राइम इनका gcd है 1। इस यूलर्स थ्योरम को हम दूसरे फॉर्मूले में अगर डिनोट करें, दिस a टू द पावर 5n इनटू सम एनी मल्टीपल दैट इज आल्सो गिविंग द सेम रिमाइंडर 1 फॉर दिस मॉड n, ओके। एंड किसी भी n नंबर के लिए, जो n नंबर क्या है, 1 से ग्रेटर और इक्वल है, जहां n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, हम phi फंक्शन की वैल्यू phi n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम यूलर्स फंक्शन यूलर्स थ्योरम को स्टडी करते हैं, डिफाइन करते हैं, ओके। थैंक यू।